जब 2017 में मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, लोगों ने पूछा कि क्या होगा। हमने कहा यूपी में अब दंगा नहीं होगा, कोई दंगा करेगा तो फिर उल्टा टांग देंगे उसको। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता जनार्दन की सेवा में थे। मैं स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में गांव-गांव जाता था, जनपद जनपद में जाता था। 1 करोड़ प्रवासी उत्तर प्रदेश में आए थे, जो बिहार जाने वाले थे, बंगाल जाने वाले थे, झारखंड, असम, उड़ीसा के, जो राम को लाए हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि अभी आपको सुनाया है, ऐसे कन्हैया मित्तल जी, गोपाल शुक्ला जी हमारे पूर्वांचल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। आज आप सबके बीच में यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि से आया हूँ। आप सबको राम राम। और माता मनसा देवी के दरबार में लोकसभा चुनाव की दिश से आपके बीच में आना, और वह भी तब, आज पंचम चरण का चुनाव चल रहा है, उत्तर प्रदेश की भी 14 लोकसभा सीट पर आज चुनाव हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर 4 चरण के चुनाव पहले ही संपन्न हो चुके हैं। जो राम का है वही हमारा है, बाकी किसी काम का नहीं है। और बहनों और भाइयों, अगर आपको देखना है, पूरा चुनाव अब इसके इर्द गिर्द ही घूम चुका है। पूरा चुनाव, लोकसभा के पूरे चुनाव को अगर आप देखेंगे, कांग्रेस के नेता तो पहले प्रभु राम को नकार चुके थे। पहले इन्होंने कहा था कि राम का राम तो है ही नहीं, इन लोगों ने पहले ही कहा था। और अभी चुनाव के दौरान भी इनके बुद्धिदाता कह रहे थे भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। हमने कहा भी आपने बुद्धि कांग्रेस को दी होती तो कम से कम वो इटली में ही राम का मंदिर बना देते। भारत के अंदर तो बनाने के लिए हमारा इंतजार था ही, मोदी जी का इंतजार था ही, लेकिन अगर पहले बताए होते तो कांग्रेस को कहते कि भाई इटली में ही बना लो। लेकिन बहनों और भाइयों, उनको याद आज आ रही है, क्योंकि भगवान जब किसी की बुद्धि फेरते हैं तो उसको पहले उल्टी बुद्धि दे देते हैं, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। और ये आज कांग्रेस के अंदर आप देख सकते हैं, आज कांग्रेस उसी राह पर आगे बढ़ चुकी है। और मंदिर नहीं बनना चाहिए था। बहनों और भाइयों, कांग्रेस हो या इनके अन्य सहयोगी दल, ये पहले दिन से राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। और कहते थे, पहले न्यायालय को भी धमकाते थे कि अगर राम मंदिर का फैसला हुआ तो दंगे हो जाएंगे, राम मंदिर का फैसला हुआ तो खून की नदियां बह जाएंगी। जब 2017 में मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, लोगों ने पूछा कि क्या होगा। हमने कहा यूपी में अब दंगा नहीं होगा, कोई दंगा करेगा तो फिर उल्टा टांग देंगे उसको। आप तो सभी जाते होंगे, मैं देखो, मेरा तो जन्म उत्तराखंड में हुआ था, मैं काम उत्तर प्रदेश में कर रहा हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं, जो बिहार और उत्तर प्रदेश का जंक्शन है, हमारी बोली भोजपुरी है। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। और जिस दिन माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आना था, लोगों ने कहा क्या होगा, लोग सशंकित थे। मैंने कहा भी देखो, एक तिनका नहीं हिलने वाला है, कोई एक तिनका नहीं हिला सकता है। आज का दिन इस ब्रह्मांड का सबसे शांत और सौहार्दपूर्ण दिन होगा। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में दंगे समाप्त, और दंगे ही नहीं समाप्त हुए,
अब तो उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज पढ़नी भी लोगों ने बंद कर दी है, मस्जिदों की मीनारों से माइक भी उतर गए हैं। वो कह रहे हैं आप हम लोग शांति से रहना चाहते हैं। रामलला विराजमान भी हो गए हैं, कौन ऐसा भारतीय होगा बहनों और भाइयों, कौन ऐसा भारतीय होगा जो अपने आप को गौरव की अनुभूति न करता हो अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के लिए। 500 वर्षों के बाद यह अवसर हमारे सामने आया है और इसीलिए हर जन से एक ही स्वर उड़ रहा है और वह है कि जो राम को लाए हैं हम उनको। बहनों और भाइयों, हमारा भारतीय समाज कृतज्ञता ज्ञापित करना जानता है और कृतज्ञता किस रूप में हम व्यक्त करते हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा, आप याद करिए बहनों और भाइयों, आप याद करिए जब भी देश पर संघवाद देश को दिया, इन्होंने नक्सलवाद देश को दिया, विरासत में इन्होंने भ्रष्टाचार देश को दिया, अराजकता देश को दी और साथ साथ अव्यवस्था का जो आलम है, जब भी संकट आता है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस सदी का सबसे बड़ा संकट था कोरोना कालखंड। कोरोना के दौरान कहीं राहुल गांधी नजर आए थे क्या? चंडीगढ़ आए थे क्या? उत्तर प्रदेश में भी नहीं आए थे, उत्तर प्रदेश से वो सांसद थे उस समय, उत्तर प्रदेश में भी नहीं आए थे। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता जनार्दन की सेवा में थे। मैं स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में गांव गांव जाता था, जनपद जनपद में जाता था। 1 करोड़ प्रवासी उत्तर प्रदेश में आए थे, जो बिहार जाने वाले थे, बंगाल जाने वाले थे, झारखंड, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और फिर इधर से राजस्थान की ओर जाने वाले थे, उत्तराखंड जाने वाले थे। इन सब की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में रह करके मैं कर रहा था। 14,000 बसें मैंने लगवाई थी इसके लिए, उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए। जिस प्रकार का अद्भुत कार्य किया था सेवा का, बहनों और भाइयों, वह अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। बेहतरीन कार्य किया था कार्य में जिसके पास कोई विजन न हो और जो गरीबों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता है, उस व्यक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में चुन करके हम लोग स्वयं भी पाप के भागीदार कतई न बने, क्योंकि आपके द्वारा चुना गया वोट की ताकत, जो ताकत है आपके पास, ये ताकत आपको पाप का भी और पुण्य का भी भागीदार बनाता है। अच्छा जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो पुण्य हमें प्राप्त होता है, लेकिन अगर गलत चुनते हैं तो उसके पाप में हम भी भागीदार हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आज भारत यशस्वी बन रहा है, भारत के अंदर खुशहाली है, भारत का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ रहा है, भारत की सुरक्षा पुख्ता है, आतंकवाद और नक्सलवाद और अराजकता की समस्या का समाधान हुआ है। तो इसलिए हुआ है क्योंकि आपने मोदी जी को चुना था, मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना था। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने 10 वर्ष में देश की तस्वीर और तकदीर को बदल करके रख दिया। आज कोई भी भारत पर गौरव की अनुभूति करता है, दुनिया में कोई संकट आता है, मोदी जी संकट मोचक के रूप में माने जाते हैं, उस समस्या का समाधान मोदी जी के पास है। भारत के अंदर इन समस्याओं का समाधान होता है। और अब तो मैं ये भी देखता हूं, पहले जब आतंकी विस्फोट होते थे, जगह जगह विस्फोट होते थे, निर्दोष भारतीय मारे जाते थे, कभी मुंबई का विस्फोट, कभी दिल्ली का विस्फोट, कभी राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला, कभी काशी में संकट मोचन पर आतंकी हमला, कभी भोपाल का विस्फोट, कभी बेंगलोर का विस्फोट। मैं सांसद था और इसको संसद में मुद्दे को उठाते थे तो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार क्या कहती थी? कहती थी कि आतंकवाद तो सीमा पार से, और आज आतंकवाद का समाधान भी हुआ। अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता मेरा हाथ नहीं है,
मैंने उसमें कुछ नहीं किया है, उसे मालूम है। ये नया खाता खोल दिया, 100 पैसा दिल्ली से भेजते हैं, 100 का 100 पैसा उसके खाते में जाता है, बीच में कोई मध्यस्थ नहीं। सटीक उदाहरण है, पैसा आपके खाते में जा रहा है। किसान कांग्रेस के समय आत्महत्या करता था, आज 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण हो गया है। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंच गया है। और बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के घर बन गए हैं। और मोदी जी ने कहा कि इस बार आएंगे, आते ही शेष बचे हुए परिवारों को भी एक एक आवास उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। अभी से कार्य योजना बन चुकी है। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने एक लंबी फेरस्त है लोक कल्याण की, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, समाज के विभिन्न तबके के लिए उन्होंने काम किया। क्या किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब, किसी के क्षेत्र या किसी भाषा को देखा? नहीं, उनका तो मंत्र था सबका साथ और सबका विकास। उनका मंत्र ये नहीं था जो कांग्रेस कहती थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कहां देश का हिंदू जाएगा, कहां सिख जाएगा? और अभी तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ है। आप देखो हिंदू, आप देखे कांग्रेस के पेट में दर्द होने लग गया, कह रहे हैं सब क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, पीड़ित मानवता की सेवा भारत नहीं करेगा तो कौन करेगा? पहले रामलला को विराजमान, बाद में कराया। पहले अयोध्या में हम लोगों ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है, उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया है। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने राम से हमारा साक्षात्कार कराया, उनके नाम पर अयोध्या का एयरपोर्ट। और इसीलिए मैं वाल्मीकि समुदाय से भी कहना चाहूंगा, आइए ना अयोध्या में, वाल्मीकि जी की गुण गाथा को आप अयोध्या में देख करके सम्मान का अनुभव। भाजपा लड़ेगी, भाजपा। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये गुमराह करेंगे, झूठ बोलेंगे, तमाम प्रकार के अफवाह फैलाएंगे। बहन और भाइयों, इसलिए किए क्योंकि पहले इन्होंने देश को बांटा, फिर समाज को बांटा, अब इनकी नजर आपकी प्रॉपर्टी पर पड़ गई है। आप पर जजिया कर लगाया था, कहा था आप इस्लाम स्वीकार करो और नहीं तो जजिया कर दो। बहन और भाइयों, औरंगजेब कोई मुसलमान भी, सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने सबसे पहले अपने भाई की हत्या की सत्ता के लिए, और फिर अपने बाप को ही जेल के अंदर डाल करके पानी के एक बूंद के लिए तरसाया था, एक बूंद के लिए तरसाया था और अपने आप सत्ता पे कब्जा कर लिया था। हिंदुओं के मंदिर तोड़े, उसके खिलाफ उस समय हिंदू राजाओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी, गुरुओं ने बड़ी लड़ाई लड़ी थी, सिख गुरुओं ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कश्मीर के हिंदुओं को बचाने का काम गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस कालखंड में किया था। बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए ही आया हूं, ये कांग्रेस के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस, हमें भारत को अब आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़ना है। भारत व्यापारी और बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके, हमें भारत को नया भारत बनाना है, आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है।